हेलो एवरीवन, आप जानते हैं एक लाइफस्टाइल चैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? आप उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने होती है लेकिन हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं, और वैसी एक चीज़ है फर्नीचर। इस वीडियो को आप चाहे कहीं बैठ के देख रहे हो या लेट के देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ओवर अ पीस ऑफ फर्नीचर ओनली। और हम फर्नीचर के बारे में जनरली दो बार सोचते हैं, पहला या तो जब हम उसे खरीद रहे होते हैं, या दूसरा जब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है। अ थर्ड रेयर टाइम व्हेन वी थिंक अबाउट अ गुड फर्नीचर इज व्हेन इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा विच इज़ नोन टू बी द मर्सिडीज बेंज ऑफ द फर्नीचर इंडस्ट्री। आज हम समझेंगे दैट व्हाट इज़ दिस कंपनी, क्या है इसके इतने शानदार प्रोडक्ट्स, और कौन सी है वो आइकॉनिक चेयर जो इतने सालों से लोगों की नंबर वन पसंद है। क्या कारण है कि पूरी दुनिया से इस चेयर की डिमांड आती है, बहुत सारी कंपनीज ने इसके मॉडल को कॉपी किया है, एंड व्हाट मेक्स अ सिंगल पीस ऑफ दिस चेयर्स रेट इन इंडिया अफोर्ड्स ऑफ 5.5 लाख रुपीस। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है कनिष्क और इस चैनल में मैं लाता हूँ, हर हफ्ते लाता हूँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस, लाइक पर्सनल स्टाइलिंग, करंट फैशन, होटल रेस्टोरेंट का विजिट, और आज का हमारा टॉपिक लाइफस्टाइल के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है हर्मन मिलर। ये कंपनी मिशिगन यूएस में 1905 में स्टार्ट हुई एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रेडिशनल वुड फर्नीचर्स। अमेरिका में आए ग्रेट डिप्रेशन के बाद इस कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया, एंड इट ब्रॉट न्यू प्रोडक्ट्स टू सर्वाइव इन द चेंजिंग श्रिंकिंग मार्केट। इस कंपनी ने वेरियस डिज़ाइनर्स को अपॉइंट किया जो कि मॉडर्न स्टाइल ऑफ फर्नीचर डिज़ाइंस में स्पेशलाइज करते थे। ओवर द ईयर्स इस कंपनी ने सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फर्नीचर पीसेस को मार्केट में लॉन्च किया, लाइक 1947 में इन्होंने नोगोची टेबल लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट को जैपनीज अमेरिकन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर इसामू नोगोची ने डिज़ाइन किया था, एंड दिस टेबल बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मेनी सेंटर एंड कॉफ़ी टेबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। 1994 में इन्होंने एरॉन चेयर लॉन्च की विच इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफिस चेयर्स इन द वर्ल्ड। आपने कहीं ना कहीं इस चेयर को किसी डिफरेंट फॉर्म में ज़रूर देखा होगा। एज ऑन 2016 इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट के 70 लाख यूनिट बेचे हैं, और लाखों चेयर हर साल ये कंपनी बनाती है। समय के साथ इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स भी चेंज किए, और इन्होंने ऑफिस के साथ होम फर्नीचर भी बनाना चालू किया। गेमिंग के लिए लोगों के पैशन को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी ने खुद को रीइन्वेंट किया और एक गेमिंग चेयर लॉन्च की। ये कंपनी और इसके प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हैं कि पूरी दुनिया में इसके प्रोडक्ट्स की वेरियस कॉपीज़ की गई, और बहुत सारी कंपनीज इनके प्रोडक्ट की रेप्लिका को दुनिया भर में सेल करती हैं। एंड दिस कंपनी सो कॉन्फिडेंट ऑफ द क्वालिटी कि इसके हर चेयर के साथ 12 साल की वारंटी आती है। कंपनी कहती है कि खरीदने से लेकर 12 साल तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे आएगी, सो इट विल बी रिपेयर्ड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त जब मैंने इसके 12 साल की वारंटी के बारे में पढ़ा, तो इन द बिगनिंग आई डिडंट बिलीव इट। देन आई वेंट टू दी वेबसाइट ऑफ दिस कंपनी, और वहाँ पे कैटेगोरिकली इस चीज़ को मेंशन किया गया है, विच मींस दैट दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबली द मोस्ट आइकॉनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी, विच इज़ अर्म्स लाउंज चेयर। जब भी कोई इस चेयर को देखता है, दे डोंट रियलाइज हाउ सिग्निफिकेंट इट्स डिज़ाइन इज एंड हाउ यूजली पॉपुलर दिस प्रोडक्ट इज। इस चेयर को बनाने का क्रेडिट डिज़ाइनर कपल चार्ल्स एंड रे एम्स को जाता है, जिनके नाम पर इस चेयर को नाम दिया गया। ये दोनों डिज़ाइनर्स आर नोन टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल एंड फर्नीचर डिज़ाइन। इस चेयर की इंस्पिरेशन इन्हें ट्रेडिशनल इंग्लिश क्लब चेयर से मिली थी, एंड आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इस चेयर को फाइनलाइज किया गया। ये लग्जरियस रिक्लाइनिंग चेयर मोल्डेड प्लाईवुड से बनाई जाती है, और इसकी अपोस्ट्री सॉफ्ट लेदर से की जाती है। दिस वॉज द फर्स्ट चेयर जिसे हर्मन मिलर ने हाई एंड मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाया था। इट वॉज लॉन्च इन 1956 एंड इट बिकेम फेमस इमीडिएटली आफ्टर दैट। जैसे जैसे इस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी हुई,
दुनिया भर की फर्नीचर कंपनीज या तो इसे डायरेक्ट कॉपी करने लगी या इसके डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस होकर सिमिलर प्रोडक्ट निकालने लगी। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इसको प्रोडक्शन में आए 65 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्नीचर डिज़ाइंस ऑफ द 20th सेंचुरी। और इतने सालों में ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन में रहने वाला प्रोडक्ट है और आप इसकी हाइट, कलर ऑफ प्लाईवुड, कलर ऑफ लेदर ये सब कस्टमाइज कर सकते हैं। 2010 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कंपनी ने ये रियलाइज़ किया कि पिछले 50 सालों में लोगों की एवरेज हाइट 1 इंच से बढ़ गई है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने नए रेंज की चेयर्स लॉन्च की जो हाइट में पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा थी। ये कहना कि ये चेयर एक आइकन है इज़ नो अंडरस्टेटमेंट। इट इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू फर्नीचर पीसेज जिसे दुनिया भर के 20 से ज़्यादा म्यूजियम्स में एज अ परमानेंट पीस ऑफ कलेक्शन रखा गया है। जहाँ तक कि इसके लुक की बात है, ड्यू टू इट्स कंफर्टेबल एंड कोजी फीलिंग इसे दुनिया भर के ऑफिसेज, लिविंग रूम्स, लाउंज, फैमिली रूम्स, बेडरूम्स में यूज़ किया जाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबिलिटी, नो डाउट इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। एंड दिस इज़ द रीज़न जो आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यू आर नॉट ओनली बाइंग अ चेयर बट यू आर ऑल्सो पेइंग फॉर एन एक्सेप्शनल क्वालिटी प्रोडक्ट विच इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड एन आइकन इन इटसेल्फ।